तनहा कुछ भी नहीं।
भी है कानून है दरिया कुछ भी, अगर हम लोग मिलजुल कर इकट्ठे बैठकर सोचेंगे इतिहाद करेंगे तो दूसरों को खुद को तुमको बुलाकर कहेंगे आओ ये लो ये लो ये लो, वरना बैठे रहो। ये 60 साल के तजर्बे के बाद मैं आपको बात बताने लगा हूं। इसी जगह पे मेरे बुजुर्गों ने जिनके साथ मैंने काम किया है मुझे यही सबक दिया था कि बेटे घबराना नहीं, इस कौम के इन बातों से तुमने घबराना नहीं, अगर तुम घबरा गए तो गर्मी से इस काम को छोड़ दो। 7 साल भरा सब है, बहुत भरा सब है, लेकिन मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं कुछ अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं उनके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनकी दुआ रंग से जगह दे। जो यहाँ बैठे हुए हैं वो भी अब मेरी तरह पूरे हो गए हैं, कुछ बड़ी पकड़ के आ रहे हैं, कुछ हाथ ले रहे हैं, लेकिन उनके जज्बा और जोश उसी तरह है जिस तरह की दुआ नहीं हुआ। मेरे भाइयों ये बड़े सोचने का काम है, बड़े बहुत कम काम है। अभी यहाँ पर स्टेज पर आकर कई आदमी कई किस्म की बातें आपको बताएंगे और इंशाअल्लाह ताला हम उस पर अमल करके दिखाएंगे। आज से 10 साल पहले इसी मुकाम पे हमने कबूर डेप्टी से इफ्तिताह किया था, उसमें जस्टिस जफर पाशा था इस अदालत की जज थे। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ तो वो जस्टिस होने के बावजूद जब भी हम उनके पास गए वो फर्क हो गए ना कोई यहाँ। उसके बाद हमने देखा कि इस कौम को इकट्ठा करने के लिए क्या करना चाहिए, तो हमने देखा कि जब तक हम मीडिया में नहीं आएंगे हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। तो हमने कंबोज मैगजीन इंटरनेशनल के नाम से शुरू किया और उसका इस दफा का 10वां शुमारा अभी आपके हाथ में आई हो। उससे हमें जो फायदा पहुंचा वो ये है कि हर घर में वो ड्रैग की सीमित है, हमारे बच्चे बच्चियां उसको पढ़ते हैं और वो देखते हैं कि हाँ हम भी तो कंबो है, कोई कंबो है। अगर वो हम ना करते तो शायद ये नाम भी ना होता। बिल्कुल सोच रहे हम कोई सोच में तो कोई कोई कुछ नहीं देता, मान क्यों देती बच्चे। तो इसलिए हमने वो शुमारा 3 बार हम निकालते हैं और इंशाअल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं कि उसको जल्दी से जल्दी लाए और वो इंशाअल्लाह जल्दी से जल्दी आएगा। जब भी हमने कोई काम शुरू किया हमने अपने सर हाजी अमजद साहब से मशवरा किया और मैं उनका बहुत खुश हूँ कि जब भी हमने उनसे मशवरा किया तो उन्होंने खुश हो गया, कर दो कोई बात नहीं। तो भाइयों सब में एक जज्बा होना चाहिए, अगर इस दफा अभी हमारे मौजूद मान उठा रहे हैं ले गए वो ये खुशखबरी में ले गए हैं कि इस दफा तकरीबन 29 एमपीए के एमपीए को वो पंजाब में खड़े हो। अभी जो शेखुपुरे से काफिला आ रहा है उसमें हमारे नौजवान इशाक महबूब साहब उर्फ काला कबो, उसने जो अनाउंस कर दिया है कि मैं एमपीए 106 से उम्मीदवार एमपीए का और बैकग्राउंड के पीछे उसने बिठा दिया है। हम उसकी हौसला अफजाई के लिए सीओपी में गए थे, उसको मिलते आए थे, उसको फूल हमने अपने कॉमन का यकीन दिलाया। इसी तरह दूसरे साथी आएंगे वो आपको बताएंगे कि कौन कौन करा जाता है।